होगा कौन सा टीम जाती है क्वार्टर फाइनल में। तो ये है तीसरा क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल मैच बिहार बनाम तमिलनाडु। क्या शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप सभी दर्शकों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे दर्शक एरिया में काफ़ी खचाखच भरा हुआ है। चारों तरफ ही दर्शक है और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही टीम काफ़ी उत्साहित और कौन सी टीम बाजी मारती है ये देखना होगा। बिल्कुल बिहार की तरफ बात करें तो बिहार अब तक तीन मुकाबलों में से दो मुकाबला जीती है और एक मुकाबला गोवा से हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं तमिलनाडु के ऊपर रुख करते हैं तो तमिलनाडु अपने तीनों मुकाबले जीती है। बिल्कुल तमिलनाडु अपने पुल की विनर रह चुकी है और बिहार टीम पुल की रनर हो चुकी है। और यहाँ पे दोनों ही टीम ग्रुप सेशन फोटो चलता हुआ बिहार और तमिलनाडु दोनों ही के बीच में। क्या कुछ कहना है आपका कुलदीप जी? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशूट किया जा रहा है खिलाड़ियों का। यहाँ पे हमारे अतिथिगण जो हैं वो आए हुए हैं और खिलाड़ियों का मनोबल भी यहाँ पे उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। वही मैं बात कर रहा था यहाँ पे बिहार के बारे में, तो बिहार में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है कल के मैच में। कल उनका जो मैच था बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन उनमें, उसमें खुशी जो कैप्टन है उनका रेडिंग डिपार्टमेंट में जो मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन था, उन्होंने अंक प्राप्त किया। और वहीं ये बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है। दोनों मैचों में उन्होंने एक बड़ी लीड से जीत हासिल करके यहाँ पे पहुँचा है और ये जो है छठा प्री क्वार्टर मैच चल रहा है। इसके बाद जो है आपका क्वार्टर फाइनल मैच आज चालू हो जाएगा। कल से हमें सेमीफाइनल और फाइनल मैच देखने को मिलेगा। रात 8 बजे तैयार रहिए कल फाइनल मैच के लिए। और कोर्ट नंबर 1 पे मैं बता दूं उत्तराखंड बनाम आसाम का मैच चलता हुआ और थोड़ी ही देर में कोर्ट नंबर 2 में आपका तमिलनाडु बनाम बिहार का मैच चालू हो जाएगा। और ये तमिलनाडु की टीम मैट में एंट्री करते हुए और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हाई वोल्टेज मैच आपको देखने को मिलेगा। वही दर्शक एरिना की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है भरे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टीम को और बहुत ही उत्साह बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का। और यहाँ पे बिहार की टीम जो है वार्म अप करते हुए और उनके कोच जो है, माफ़ कीजिएगा, उनकी कैप्टन जो है खुशी आते हुए यहाँ पर टॉस किया जाएगा हरीश शर्मा जी के द्वारा। और यहाँ सिक्का उछाला गया और तमिलनाडु ने कॉल किया टॉस विन बाय तमिलनाडु चॉइस कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, टॉस विन बाय तमिलनाडु चॉइस रेड। यहां पे एक नंबर के जर्सी में तमिलनाडु के खिलाड़ी कार्तिका जो हैं वो कप्तानी संभालते हुए, वही बिहार की तरफ से खुशी जो है वो कप्तानी संभाल रहे हैं। और दोनों ही का जो मैच है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पिछला जो इन दोनों का मैचेस का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। खुशी हो गई, शिवानी हो गई, श्रेया हो गई, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने करके दिखाया है। और यहाँ पे मैं तो तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में भी बड़े बड़े नाम हैं आपको यहाँ देखने, खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे स्किल्स से, स्किलफुली रेडर्स और डिफेंडर्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कुछ क्या प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि कौन जीत सकता है ये मैच? जी बिल्कुल, जर्सी नंबर 6, आप तमिलनाडु के जो जर्सी नंबर 6 है उन पर दर्शक निगाहें बना के रखें क्योंकि उनको काफ़ी मैचों का एक्सपीरियंस है। कृतिका, जो कृतिका है तमिलनाडु की, उनके ऊपर दर्शकों निगाहें बना के रखें क्योंकि उनके पास काफ़ी मैचों का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े मैचों का। वो काफ़ी अच्छा रेज करती है और डिफेंस भी करती है तो उम्मीद है कि वो थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है बिहार टीम को, थोड़ी परेशानी कर सकती है। अगर बिहार की टीम इनको रोकने में कामयाब रहती है तो मैच मुकाबला जीत सकती है, नहीं तो बिहार को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, संभवतः पहली रेड लेके निकल पड़ी है जर्सी नंबर 6 दीपिका। जर्सी नंबर 6 तमिलनाडु की दीपिका, 7 का डिफेंस है, संभवतः पहली रेड होगी। क्या कुछ कमाल करती है, काफी एक्टिंग और क्या शानदार किक और खुशी को शिकार बनाया। बिल्कुल खुशी कप्तान है जो बिहार को, बिहार की, उनको शिकार बनाया दीपिका ने और इसी के साथ तमिलनाडु का खाता खुलता हुआ। बिल्कुल उम्मीद है कि बिहार काफ़ी अच्छा खेले और यहाँ पे क्या, बिल्कुल सालू के द्वारा लाजवाब हैंड टच। बिल्कुल और एक पॉइंट
इसी के साथ बिहार का भी खाता खुलता हुआ, क्या लाजवाब मैच चलता हुआ बराबरी के साथ शुरुआती कुछ क्षणों में। बिल्कुल जर्सी नंबर 6 दीपिका रेड की जिम्मा लेके निकल पड़ी है बिहार के खेमे में, और यहाँ पे ब्लॉक का प्रयास, क्या सुपर रेड है या नहीं, बिल्कुल रेडर आउट। क्या शानदार स्केपिंग था, इसके बावजूद लॉबी से संपर्क खो बैठे और इसी के साथ दीपिका को बाहर का रास्ता मिला। और यह है जर्सी नंबर 5, नाम है सालू, देखना होगा क्या कुछ कमाल करते हैं इस मैच में। और यहाँ पे 5 का डिफेंस है, और यह क्या, बिल्कुल लॉबी आउट हो गए। जर्सी नंबर 7 अपने शरीर पे संयम खो बैठे, बिल्कुल अगर ऐसे ही आप गलती करते रहेंगे तो इस मुकाबले में बिछड़ सकते हैं। और शुरुआती का कुछ समय का स्कोर की तरफ रुख करते हैं तो 3-1 बिहार, 3-1 बिहार, माफ करें बिहार 3-1 तमिलनाडु। और इसी के साथ टच का मांग करते हुए तमिलनाडु के खिलाड़ी, और दावा किया गया क्या टच है या नहीं, अंपायर के द्वारा आपसी में मशवरा किया जा रहा है टच है या नहीं, बिल्कुल देखना होगा टच है या नहीं। वन टेक्निकल पॉइंट फेवर ऑफ बिहार, और क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच। तो हम आपसे राय जानना चाहते हैं कुलदीप, क्या कुछ कहना है, कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि अभी तक का सबसे हाई वोल्टेज मैच ये होने वाला है तमिलनाडु बनाम बिहार, जो होम टीम खेलते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। स्कोर की बात करें तो 1-4 का स्कोर है, यहाँ बिहार जो है 3 अंकों से लीड बनाई हुई है, और यहाँ तमिलनाडु के मेन रेडर जो है आप बोल सकते हैं दीपिका, उनको बेंच में बैठाने का काम किया है। और यहाँ दर्शकगण की बात करें तो उत्साहपूर्वक यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिहार की टीम को, और कुछ यहाँ तमिलनाडु के सपोर्टर्स भी हैं, वो भी उनको अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं मिसा, अजी मिसा रेड करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन खाली ही हाथ उनको वापस लौटना पड़ेगा। 5 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं सालू, बिहार की तरफ से 4 का डिफेंस बना हुआ है यहाँ पे, क्या वो अंक प्राप्त कर पाएंगे या डिफेंस उनको तोड़ देगा। बिल्कुल यहाँ पे डिफेंस ने उनको बहुत ही बढ़िया तरीका से डिफेंस ने उनको डैश करने का डैश किया, और यहाँ पे डू और डाई रेड आया है तमिलनाडु के लिए, और उसमें 2 नंबर के जर्सी ने कमान संभाला, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, अगर तमिलनाडु को इस मुकाबले में जीतना है तो वापसी का डंका तो बजाना होगा, और क्या चपलता के साथ राइट कॉर्नर के इनके पास से बोनस का प्रयास, क्या सफल होती है या नहीं, दर्शक बोनस की मांग करते हुए। और इसी के साथ रेगर को आउट दे दिया गया है, बिल्कुल डू और डाई रेड था और रेगर को आउट करार दे दिया गया है, क्या लाजवाब मैच चलता होगा। तमिलनाडु गलती पे गलती करती हुई और बिहार इस मुकाबले में एक तरफा लीड करती हुई, बिल्कुल स्कोर का फासला 5-2 है। और यहाँ पे प्रतिभा, क्या इस रेग में अपनी प्रतिभा को बिखरेगी, बिल्कुल देखना होगा। और ये क्या सुपर रेग, शानदार 3 पॉइंट बिहार के खाते में, क्या लाजवाब रेग है प्रतिभा, जैसा ही हमने बोला दर्शकों कि प्रतिभा अपनी प्रतिभा दिखाएगी, बिल्कुल जैसा ही नाम वैसा ही प्रतिभा। और फिर से जर्सी नंबर 5 तमिलनाडु के रेगर निकल चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप जी? जी अभी तमिलनाडु के जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है दीपिका, उनको बाहर बैठा दिया गया। अगर एक अंक ले आते हैं मैरी जो है, वो अगर एक अंक ले आते हैं तो वो दीपिका जो रिवाइव दीपिका रिवाइव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 6 नंबर के जर्सी में दीपिका जो है वो रिवाइव हो चुके हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल से बहस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद यहाँ पे कार्ड दिखाया जाएगा, ग्रीन कार्ड दिया जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ कप्तान जो है दीपिका, तमिलनाडु के एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है, उनको यहाँ पे ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है, और यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है दोनों कोचेज के द्वारा कि किस तरह से यहाँ पे इस मैच को जीतना है किसी भी हाल में। और बहुत ही रोमांचक मैच ये होने वाला, आपको क्या लग रहा है बताइए? बिल मुकाबला में तो कहा ही नहीं जा सकता, जैसा कि हमको उम्मीद था कि टक्कर का मुकाबला चलेगा, एक एक स्कोर का फासला होगा, लेकिन यहाँ का जर्सी नंबर 5 और प्रतिभा, क्या सुपर एक, और यहाँ पे सकल का प्रयास, बिल्कुल ऑल आउट कर दिया गया है जर्सी नंबर 5 के द्वारा सालू बिहार की रेगर, बिल्कुल 2+2 4 पॉइंट बिहार के खाते में। और स्कोर जा पहुँचा है, स्कोर कार्ड की तरफ रुख करते हैं, 12-4 तमिलनाडु टच का प्रयास, बिल्कुल 1 पॉइंट तमिलनाडु के खाते में, और देखना होगा 1 पॉइंट है या नहीं। बिल्कुल बिहार के राइट कॉर्नर को मनी कुमारी को बाहर का रास्ता दिखाएगा, और काग पे काग यहाँ पे तमिलनाडु के कोच के द्वारा काग पे काग दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनको ड्यूरिंग द कोच
कोचिंग करने का आदेश नहीं है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ बिहार की टीम जो है बहुत मजबूत है, साथ ही साथ यहाँ जनता भी उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन आपको याद रखना होगा यहाँ की दीपिका 6 नंबर के जर्सी में जो तमिलनाडु के स्क्वाड में है, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इन्होंने अभी खेला इंडिया जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। तो आपको ये याद रखना है कि वो भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, वो कम बैक कर सकती है, ये स्कोर जो 7 अंकों का स्कोर है वो उनको तोड़ सकती है। और बिल्कुल यहाँ 4 नंबर के जर्सी में उन्होंने अपना प्रतिभा दिखाते हुए बोनस चुराने का काम किया। यहाँ पे अंपायर जो है वो बस करते हुए, और यहाँ पे क्या बिल्कुल ग्रीन कार्ड पे कार्ड, और यहाँ पे क्या तमिलनाडु के कोच को येलो कार्ड दिखाया गया अंपायर के द्वारा। बिल्कुल आप अंपायर से बहस नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोचिंग करना है तो टाइम आउट लेके आप करें, बिल्कुल अंपायर से बहस नहीं करना होगा। और यहाँ पे क्या बिल्कुल काफी गर्मा गर्मी का माहौल, बिल्कुल मुकाबला ही वैसा ही चल रहा है, दोनों ही तरफ गर्मा गर्मी का माहौल, क्या मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी ये देखना होगा। कुलदीप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तमिलनाडु जीतेगी या बिहार? जी यहाँ पे तमिलनाडु के जो कोच है उनको येलो कार्ड मिल गया, यानी कि 2 मिनट का सस्पेंशन कर दिया गया है, नाम है इनका भी नंतिया। और यहाँ पे 6 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए दीपिका गए हुए हैं, 6 का डिफेंस बना हुआ है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे हैंड टच देखने को मिला राइट कॉर्नर के ऊपर। मैं बता रहा हूँ दीपिका के ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा, ये भविष्य का स्टार है, आपको ये इंडिया खेलते हुए नजर आ सकती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में। और 5 नंबर के जर्सी में बिहार की तरफ से रेड करने के लिए गए सालू, और क्या कैच 1 नंबर जर्सी के द्वारा, कार्तिका नाम याद रखिए, क्या कैच यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। और फिर से रेडिंग का कमान संभालते हुए 6 नंबर के जर्सी में दीपिका रेड करने के लिए गए हुए हैं, 4 का डिफेंस बना हुआ, वैसे रेडर के लिए 4 का डिफेंस जो है मजबूत माना जाता है, वहाँ अंक लाना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन 6 नंबर जर्सी के लिए वो मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा चीज़ वो कर सकती है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे टच का प्रयास है, क्या आउट है, बिल्कुल 1 पॉइंट दीपिका के खाते में, और 1 पॉइंट दीपिका ने अपने टीम के खाते। स्कोर की बात करें तो स्कोर में थोड़ा फासला कम होता हुआ तमिलनाडु, और यहाँ पे एडवांस टैकल, शानदार टैकल तमिलनाडु के द्वारा, और तमिलनाडु ने इसी टैकल के साथ वापसी का डंका कर चुकी है, और क्या शानदार प्रदर्शन करती हुई तमिलनाडु की डिफेंस, बिल्कुल। और इस मुकाबले में वापसी करने का अच्छा मौका है तमिलनाडु के पास, और यहाँ पे ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ बिहार के ऊपर, और कप्तान अभी भी कोर्ट में है, क्या खुशी, सुपर टैकल करती है या ऑल आउट हो जाती है। और दीपिका ने रेड का जिम्मा लिया है, और टच का प्रयास है, क्या टच मिलेगा या नहीं, बिल्कुल नो टच पॉइंट, और अंपायर से बहस करना, कार्ड दिखा सकते हैं, और ये क्या टैकल, शानदार टैकल, और इस अंपायर ने खेल को रोका था, और साथी खिलाड़ी ने परस्यूट किया जिसके कारण और रेडर को आउट दे दिया गया है। अंपायर से बहस करेंगे तो आपको आउट दे दिया गया है, काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ, बिल्कुल सुपर टैकल लगा लिया है बिहार ने इस मुकाबले में। जी यहाँ पे देख सकते हैं सुपर टैकल पाने के साथ शायद यहाँ पे दीपिका जो है वो रेफरी से बात करते करते लोबी में चली गई थी, इसी कारण से उनको आउट दिया जा रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने टच करके वहाँ से आया है, हमें अंक मिलना चाहिए, आप उनको 2 अंक क्यों दे रहे हैं। और यहाँ इतना गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है, मैं तो कहता हूँ आज तक का जबरदस्त मैच ये देखने को मिलेगा आपको, आप कहीं नहीं जाइए, यहाँ पे अभी तक का सबसे जबरदस्त मैच आपको यहाँ देखने को मिल रहा है तमिलनाडु बनाम बिहार के। और यहाँ के खिलाड़ी जो है अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, इस मैच को जीतने के लिए, और यहाँ के दर्शकगण जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ अपने मनपसंदीदा खिलाड़ी को। और यहाँ पे रेफरी का क्या अंपायर आते हुए 1 अंक यहाँ बिहार को मिलते हुए, और दीपिका को बेंच में बैठाने का काम किया गया, क्या यहाँ दीपिका को रिवाइव करवा पाएगी उसकी टीम? जी बिल्कुल रिवाइव करवा सकती है तमिलनाडु की टीम, अगर दीपिका रिवाइव नहीं होती तो तमिलनाडु को हार का सामना करना पड़ सकता है। और कोच अभिनव के द्वारा ये गुरु मंत्र दिया गया है कि आप दीपिका को कैसे भी बाहर बैठाएं और इस मुकाबले को अपनी बिहार की तरफ आप कर सकते हैं, वैसा ही बिहार की डिफेंस कर रही है। और यहाँ पर फिर से रेज की जिम्मा लेके चली है जर्सी नंबर 3, क्या कुछ कमाल करती है इस रेज में, बिल्कुल देखना होगा। और यहाँ पर 6 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑन है, संभवतः खाली रेज करने का प्रयास।
और फिर से जर्सी नंबर 2 तमिलनाडु के रेडर ये है निकल पर ये बिहार के खेमे में और सुपर टैकल ऑन है। मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सुपर टैकल में 2-3-1 खिलाड़ी रहते हैं तो सुपर टैकल ऑन रहता है, आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है और एक पॉइंट टैकल के, तो ये फायदा रहता है सुपर टैकल में। और संभवतः मेरा ये मानना है कि थर्ड रेंज का इंतजार कर रही है बिहार की टीम, क्योंकि थर्ड रेंज में खिलाड़ी को रिस्क लेके खेलना पड़ता है और संभवतः थर्ड रेंज पहली बिहार की आएगी, उसके बाद आएगी तमिलनाडु की। पहले बिहार को ही पॉइंट टच पॉइंट या बोनस पॉइंट लेना होगा, बिल्कुल जैसा हमने बोला वैसा ही। क्या शानदार एंकल हो, बिल्कुल लाजवाब एंकल हो, जैसा कि जर्सी नंबर 1 के द्वारा क्या एंकल हो जाए, बिल्कुल। इसी के साथ टाइम आउट, इसी के साथ टाइम आउट लिया गया और यहाँ पे बिहार के कोच को ग्रीन कार्ड दिखाया गया, अभिनव कुमार को अंपायर पैनल के द्वारा ग्रीन कार्ड दिखाया गया और इसी के साथ उनको अंपायर से बहस करने के लिए ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। और यहाँ पे तमिलनाडु की टीम वापसी का डंका बजा चुकी है और दीपिका को और कृतिका को चलना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे दीपिका को रिवाइव दिला दिया गया उनके टीम के द्वारा और यहाँ दोनों कोचेस में यहाँ गर्मा गर्मी हो रही है, बहुत ही अंपायर से बहस किया जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी दिया गया है बिहार के जो कोच हैं उनको, अभिनव कुमार को। यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और यहाँ पे दीपिका गई हुई है डू और डाई रेट में, क्या वो अंक लेके आ पाएगी? बिल्कुल बहुत ही आराम से कह सकते हैं उन्होंने किसको आउट किया है, तो उन्होंने कप्तान खुशी को आउट किया है। यहाँ खुशी ने गलती की उन्होंने और एक अंक यहाँ पे तमिलनाडु को जाते हुए यहाँ पे रेड पे गए हुए हैं, मनी रेड करने के लिए गए हुए हैं। 7 का डिफेंस बना हुआ है, वन मैन आर्मी बने हुए हैं यहाँ मनी, क्या वो अंक ला पाएंगे या फिर ऑल आउट फिर बिहार हो जाएगी? और क्या डिफेंस देखने को मिल रहा है एक नंबर के जर्सी के द्वारा यहाँ पे कार्तिका, तमिलनाडु में कार्तिका और दीपिका पे नजर आप बनाए रखिए। बिल्कुल, स्कोर का फासला आप देख सकते हैं काफी सट चुका है, 2 ही पॉइंट से बिहार टीम लीड करती हुई और तमिलनाडु ऐसा ही डंका, जैसा कि हमने कुछ समय में बताया था तमिलनाडु ऐसा ही खेल का परिचय देगी तो इस मुकाबले को जीत सकती है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ और यहाँ पे टच का प्रयास और ऑफिशियल के द्वारा टाइम आउट लिया गया है, क्या टच है या नहीं, बिल्कुल डिसीजन देखना होगा टच है या नहीं। अंपायर के दीपिका के द्वारा टच का प्रयास और क्या रेडर आउट दे दिया गया यहाँ पे, बिल्कुल दीपिका को रेडर आउट दे दिया गया है कि बिना टच के आप लॉबी में नहीं जा सकते हो, बिना टच के आप लॉबी में नहीं जा सकते हो। और अभी भी 3 पॉइंट बिहार के खाते में, अभी भी 3 पॉइंट से बिहार रेज करती हुई और रेज की जिम्मा लेके निकल चुकी है प्रतिभा, क्या इस रेज में प्रतिभा दिखाएगी? बिल्कुल काफ़ी बड़े मैच का उनको एक्सपीरियंस है, जर्सी नंबर 4 क्या कुछ कमाल करती है, काफ़ी संतुलित टीम तमिलनाडु की। और यहाँ पे समय खाली रेज, संभवतः खाली रेज करने का प्रयास और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का सेकेंड टाइम आउट बिहार के कोच के द्वारा अभिनव कुमार सिंह के द्वारा, क्या गुरु मंत्र देते हैं अपनी टीम को, क्या रणनीति बनाते हैं और कैसे स्कोर का फासला को बढ़ाते हैं, क्या बिहार एक तरफा इस मुकाबले को जीतेगी या करीबी मुकाबला हो सकता है, क्या तमिलनाडु इस मुकाबले को जीतेगी, देखना होगा। तमिलनाडु को कोच को येलो कार्ड दिखाया गया है कुछ समय पहले, तो देखना होगा उनकी कोच काफ़ी शांत स्वभाव की और शांत से ही कोचिंग देती हुई, क्योंकि उनको पता है अगर अब वो कुछ भी करते हैं तो टेक्निकल पॉइंट मिल सकता है उनकी टीम को और उनको 5 मिनट के लिए पूरे मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने आराम से ही कोचिंग देते हुए। और यहाँ पे जर्सी नंबर 2 संभवतः खाली रेज करने का प्रयास और फिर से निकल चुकी है सालू, नाम है सालू, जर्सी नंबर 5 बिहार के जर्सी में और 6 का डिफेंस ऑन है, बोनस भी ऑन है, क्या कुछ कमाल करती है जर्सी नंबर 5 सालू कुमारी। संभवतः बिहार के पास लीड है तो समय व्यतीत करने का प्रयास होगा, लेकिन इतना जल्दी ये जानते हैं हम कुलदीप से।
जी यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं 14-17, तीन अंकों की लीड बनी हुई है, कोई बड़ी लीड नहीं है। अभी हाफ टाइम का समय यहाँ बचा हुआ है, अगर आराम से खेली दोनों टीम तो वो लीड को तोड़ करके जीत सकती है। और यहाँ 11 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए गायत्री आई हुई है, क्या वो अपने मेन स्टार रेडर जो कि दीपिका है उनको बेंच से रिवाइव दिला पाएगी क्या? बेंच दीपिका जो है वो बेंच में बैठी हुई है। और यहाँ पे बिहार के लिए डू और डाई रेड, पांच नंबर के जर्सी में यहाँ पे सालू रेड करने के लिए आए हुए हैं। और क्या एक नंबर के तरफ से एंकल होल्ड, एक नंबर कार्तिका के तरफ से एंकल होल्ड देखने को मिला। और स्टार रेडर जो है दीपिका उनको रिवाइव दिला दिया गया। और यहाँ डू और डाई रेड का कमान संभालते हुए दीपिका गई हुई है छह का डिफेंस। और क्या यहाँ पे राइट कॉर्नर के तरफ से यहाँ पे हमें टैकल का शुरुआत करते हुए नजर आया। और यहाँ पे एक पॉइंट बिहार को मिलते हुए, यहाँ जनता की बात करें तो जनता जो बहुत ही खुश है, बिहार टीम को पूरी तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे चार नंबर के जर्सी में बिहार के तरफ से प्रतिभा रेड करने के लिए गई हुई है। यहाँ पे लगातार जो दीपिका है तमिलनाडु के खिलाड़ी जो है वो लगातार उनको आउट कर दिया जा रहा है बिहार की तरफ से। बिहार जो है एक ही रणनीति बना के आया है यहाँ पे कि मेन रेडर जो है उनको बाहर करो और बाकी लोग को धीरे 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 करके आउट करके अंक प्राप्त करते रहो। क्या तमिलनाडु ने तमिलनाडु ने जो यह रणनीति बनाकर आए हैं बिहार वाले उनके खिलाफ कोई रणनीति बनाए हैं क्या? और यहाँ पे दो नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं अजीम ऐसा रेड करने के लिए आए हैं, सात का डिफेंस बना हुआ है। और लगातार यहाँ पे दीपिका को बाहर बैठा दिया गया। और यहाँ पे दीपिका को बैठाया तो जा रहा है बिहार की तरफ से, लेकिन उनके टीम जो है लगातार उनको रिवाइव दे रहे हैं जिनके चलते वो लगातार मैच में बनी हुई है और लगातार अंक भी प्राप्त कर रहे हैं। तो उनका टीम का भी यहाँ पे प्रशंसा करनी होगी कि बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या बात है, लगातार कार्तिका एक नंबर की जर्सी ने अपना हाई फाई यहाँ पे पूरा कर चुका है, माफ कीजिएगा कर चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे स्कोर का बता दे तो 17-19 का स्कोर बना हुआ है, दो अंकों से लीड में बनी हुई है। और दीपिका रिवाइव होते ही लगातार रेड करने के लिए वापस आ चुकी है बिहार के यहाँ खेमे में, पाँच का डिफेंस बना हुआ है और प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे अंक प्राप्त करने का। किक का प्रयास था लेकिन असफल रहे और हैंड टच कनेक्ट नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, हैंड टच का प्रयास था, संभवतः खाली रेड होगी। और यहाँ पे नाम है शिवानी कुमारी, बोनस की रानी शिवानी, बिहार की जर्सी नंबर 2, क्या कुछ कमाल करती है इस रेड में, बिल्कुल संभवतः खाली रेड करने का प्रयास। जी आप दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जो जर्सी नंबर 2 है उनका नाम है शिवानी, बोनस लेने में एक्सपर्ट है, लेकिन उनको कुछ समय के लिए शांत किया गया और उनको दूसरा हाफ के लिए बचा के रखा गया है, क्योंकि आप अभी बिहार के कोच प्रतिभा और सालू से कंटिन्यू रेज करवा रहे हैं। इसके बाद सेकेंड हाफ के लिए शिवानी को तैयार रखा है, क्योंकि जब भी मैच फंसता है तभी शिवानी अशानी के साथ रेज में पॉइंट लाती है। और फिर से टाइम आउट के बाद खेल शुरू होता हुआ और यह चली है जर्सी नंबर 6 दीपिका। स्कोर की तरफ रुक करें तो अभी भी बिहार 2 पॉइंट से लीड में है और तमिलनाडु 2 पॉइंट से भी पिछड़ती हुई। और यहाँ पे किक का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर और यहाँ पे टैकल, बिल्कुल शानदार टैकल बिहार के द्वारा, क्या लाजवाब टैकल, कप्तान खुशी के द्वारा लाजवाब टैकल बिल्कुल। और ये स्कोर का फासला 17-20, अभी भी 3 पॉइंट से बिहार लीड करती हुई। और संभवतः हाफ टाइम का स्कोर है ये और हाफ टाइम के बाद दूसरा हाफ का खेल कुछ ही समय में स्टार्ट होगा। और स्कोर का फासला देखें तो 17-20, काफ़ी शानदार मैच चलता हुआ बिहार बनाम तमिलनाडु प्री क्वार्टर फाइनल मैच, कौन सी टीम मारेगी बाजी देखना होगा। और हम अपने संवाददाता की तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ कहेंगे कुलदीप जी? जी यहाँ पे मैच जो है बहुत ही टक्कर का चल रहा है, यहाँ पे 17-20 का स्कोर हो चुका है, बिहार जो 3 अंकों से लीड बनाई हुई है, लेकिन ये 3 अंकों का लीड कुछ नहीं होता कबड्डी में, यहाँ ये लीड कभी भी टूट सकता है, एक रेड में भी यह लीड टूट सकता है। बस यहाँ पे तमिलनाडु को मजबूती से खेलना होगा। वही मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे कार्तिका जो कि तमिलनाडु में एक नंबर की जर्सी में है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, टैकल पॉइंट्स लगातार वो उन्होंने किया है, जब जब दीपिका बाहर बैठ रही है तब तक उनको रिवाइव कराने का उन्होंने काम किया है, अपना हाई फाई भी उन्होंने पूरा किया है। और यहाँ पे बिहार की तरफ से खुशी शिवानी, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, शुरुआत से ही लीड बना के रखी हुई है बिहार की टीम। और यहाँ अभी हाफ टाइम हुआ है, हाफ टाइम के बाद का जो मैच होने वाला है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है।
यहाँ तारीफ करनी होगी कार्तिका की, दीपिका की तमिलनाडु के तरफ से, साथ ही साथ उनकी पूरी टीम की जो रिवाइव कराने का काम कर रही है दीपिका को, जब जब दीपिका आउट हो रही है। और मैं बता दूं कोर्ट नंबर वन में मैच हो रहा आसाम बनाम उत्तराखंड, जिसमें टक्कर का मैच चल रहा है 30-33 तीन अंकों से अभी उत्तराखंड आगे है, लेकिन देख सकते हैं तीन अंक यहां पे भी और तीन अंक वहां पे भी, दोनों के जगह तीन अंक का लीड बना हुआ है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्या पता आसाम उत्तराखंड को यहाँ हरा के आगे जाए, या भी उत्तराखंड जो है आसाम को हरा के भी आगे जा सकता है। बहुत टक्कर का मैच चल रहा है, आप जाके उसको भी, मैच नंबर वन पे लाइव है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे गर्मा गर्मी चलते हुए बिहार जो कि होम टीम है यहाँ की, और तमिलनाडु जो कि चैंपियन टीम है वो आई है, और बिहार की तरफ से खुशी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कप्तानी पारी खेलती हुई खुशी कुमारी, क्या खुशी कुमारी कल के मैच में क्या प्रदर्शन थी, और आज की मैच में बिल्कुल कप्तान की जिम्मा के भूमिका में काफ़ी अच्छा खेलती हुई, और पहली रेक संभवता होगी बिहार की। और दूसरी हाफ का खेल शुरुआत हो चुका है, स्कोर की फासला 3 पॉइंट से बढ़त बनाई हुई बिहार, और निकल पड़ी है जर्सी नंबर 5 में सालू कुमारी, क्या बोनस लेती है या टच देखना होगा, 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, क्या कुछ कमाल करती है सालू कुमारी, संभवतः खाली रेच करने का प्रयास होगा क्योंकि बिहार के पास अभी भी लीड है, लेकिन काफ़ी समय बच चुका है, देखना होगा क्या कुछ करती इस रेग में। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा वैसा ही खाली रेच करने का प्रयास, और यहां पे जर्सी नंबर 2 निकल पड़ी है बिहार के खेमे में, क्या कुछ कमाल करती है इस रेग में, देखना होगा। बिहार का डिफेंस काफ़ी सेक, राइट कॉर्नर में मनी कुमारी जर्सी नंबर 9, लेफ्ट कॉर्नर में खुशी कुमारी, कवर में शिवानी खड़ी है, क्या कुछ कमाल करते हैं, बिल्कुल काफ़ी सितारों से सजा हुआ बिहार का टीम, और उतना ही अच्छा सितारों से सजा हुआ तमिलनाडु का भी टीम। जर्सी नंबर 6 कृतिका पे निगाहें बना के रखिएगा, काफ़ी एक बड़े मैचों का उनके पास एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे सालू को एक टच का प्रयास, क्या टच है, बिल्कुल ग्राउंड की कस्में खाई जाती हुई, क्या टच है नहीं, अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, और यहाँ पे कोच की कस्में खाई जाती हुई, देखना होगा कि क्या, लॉबी में जाने का अपील करते, बिल्कुल 1 पॉइंट बिहार के खाते में, शानदार शानदार पॉइंट, और इसी के साथ 4 पॉइंट से बिहार लीड करती हुई। और हम बता दें कि क्या कुछ कमाल होगा इस मैच में, क्या तमिलनाडु वापसी कर सकती है, मारी छोरिया छोरों से कम है क्या, ये डायलॉग जो है बहुत ही अच्छा सही साबित होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे लड़कियाँ जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इस 33वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में हो रहा है, और यहाँ पे 17-22 का स्कोर हो चुका है, और कोर्ट नंबर 1 की बात करें तो 30-36 का स्कोर है आसाम बनाम उत्तराखंड में, और यहाँ पे बिहार बनाम तमिलनाडु चल रहा है। तमिलनाडु के जो मेन खिलाड़ी है दीपिका, उनको बेंच में बैठाने का काम किया गया है बिहार की तरफ से, और वो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कह सकते हैं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो लीड में यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पे अभी 5 अंकों का लीड बना हुआ है, और ये 5 अंकों का लीड जो है कबड्डी में कभी भी ख़त्म हो सकता है, वो एक रेड में भी ख़त्म हो सकता है, और यहाँ 5 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए आए हुए हैं मारिया रेड करने आए, क्या वो अपने कप्तान को रिवाइव करा पाएंगे, क्योंकि उनके अभी रिवाइवल जो है तमिलनाडु में उनका कप्तान जो मेन रेडर है उन्हीं का, दीपिका का है, तो क्या वो रिवाइव हो पाएंगे, नहीं। अभी तो बिहार जो है इस गेम को स्लो डाउन करने का कोशिश कर रहा है, थर्ड रेड पे खेलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो लीड बना हुआ है, और वही प्रेशर बनते हुए यहाँ पे तमिलनाडु के खिलाड़ियों के ऊपर, और डू और डाई पे खेलने का प्रयास दोनों टीमों के द्वारा। मैच जो है बहुत ही रोमांचक हो रहा है यहाँ पे, और दर्शकगण जो है यहाँ पे बहुत ही आनंद उठा रहे हैं इस मैच का, दोनों ही मैच जो हो रही है बहुत ही रोमांचक से भरा हुआ है। यहाँ पे तमिलनाडु के खिलाड़ियों को जी जान लगाना होगा, यहाँ पे हार नहीं माननी है, अभी बहुत समय बचा हुआ है, आप जी जान लगाएं, अपना 100% दीजिएगा तो बिल्कुल आप प्रयास करते रहे, आप इस मैच में वापस जरूर आइएगा, कमबैक जरूर कीजिएगा। और यहाँ डू और डाई रेड 3 नंबर जर्सी में कौन है, आप इनका नाम बता सकते हैं, श्रेया, लेकिन श्रेया को यहाँ रोक दिया गया, और उनका कप्तान तमिलनाडु के कप्तान को रिवाइव दिलाया गया यहाँ पे दीपिका को, अब दीपिका रिवाइव होके आ चुकी है, वो क्या कर सकती है, और डू और डाई रेड में वो गई है रेड करने के लिए, आपको क्या लग रहा है वो अंक लाएंगे? जी बिल्कुल, दीपिका बड़े मैच की स्टार रेडर है, बिल्कुल इस मुकाबले में उनका काफ़ी अहम, और शानदार किक लेफ्ट कॉर्नर पे, क्या किक
सक्सेसफुल है या नहीं देखना होगा। बिल्कुल आते ही किक का प्रयास और सफल रही दीपिका, और क्या शानदार वापसी का डंका बजाती हुई तमिलनाडु दूसरे हाफ में। क्या बिहार को हार का सामना करना पड़ सकता है या तमिलनाडु इस मुकाबले में जीत लेगी, देखना संभव। और एक एडवांस टैकल, लाजवाब टैकल, क्या टैकल हुआ है लाजवाब बिहार के खिलाड़ी के ऊपर, टूट पड़ी तमिलनाडु के डिफेंडर, और इसी के साथ थोड़ी जख्मी होते हुई सालू कुमारी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, यहाँ पे खिलाड़ी तो जख्मी हुए हैं लेकिन यहाँ फिजियो डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स हमेशा 24 घंटा मैट के पास खड़े रहते हैं, किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई दिक्कत होता है तो वो तुरंत तैयार रहते हैं उनको सहयोग करने के लिए। और यहाँ पाँच नंबर के जर्सी में जो सालू हैं वो थोड़ा जख्मी हो गए हैं, बिहार को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा शायद। और यहाँ पे मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, और यहाँ पे 19-22 का स्कोर हो चुका है। यहाँ पे दर्शकगण जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने टीम को सहयोग कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। और रेड में यहाँ पे दीपिका गई हुई है तमिलनाडु की तरफ से, प्रयास कर रहे हैं अंक लाने का, और यहाँ पे अपील किया गया है उनके तरफ से, अपील किया गया क्या पॉइंट उनको मिलेगा, नहीं अंपायर्स के द्वारा मना कर दिया गया। यहाँ पे पांच का डिफेंस में रेड करने के लिए आए हुए हैं रेखा, और यहाँ पे गर्मा गर्मी बहुत बढ़ते हुए यहाँ पे खाली रेड किया जा रहा है यहाँ पे दीपिका के द्वारा। और यहाँ पे तमिलनाडु को जल्द से जल्द अंक प्राप्त करने होंगे इस मैच में अगर उनको बने रहना है तो। जी स्कोर का फासला आप देख सकते हैं 22 और 20, अभी भी दो पॉइंट से लीड करती हुई बिहार, और बिहार के प्रतिभा को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है क्योंकि आप अंपायर से बहस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अंपायर का डिसीजन सर मानने होगा। और ये स्टार रेजर, तमिलनाडु के स्टार रेजर कीर्तिक दीपिका, और शानदार पॉइंट स्कोर करते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल। और इसी के साथ वापसी का डंका बजा चुकी है तमिलनाडु के रेगर दीपिका, क्या कुछ कमाल करती है इस रेग में, काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पे जर्सी नंबर 5 सालू बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से बोनस लेने का प्रयास, क्या कुछ का बोनस होता है या नहीं देखना अभी बाकी है। काफी गर्मा गर्मी मुकाबला चलता हुआ, और इसी के साथ बोनस, और बिहार के स्कोर में इजाफा हुआ। शानदार मुकाबला चलता हुआ प्री क्वार्टर फाइनल मैच, और यहाँ पे लाजवाब एस्केपिंग, बिल्कुल शानदार एस्केपिंग दीपिका के द्वारा। जी बिल्कुल, मैं क्या शुरू से कहते आ रहा हूँ, दीपिका बहुत ही बड़ी खिलाड़ी यहाँ पे है, अभी इन्होंने खेलो इंडिया गोल्ड मेडल जीत करके यहाँ पे खेलो इंडिया में आई है, तो वो तमिलनाडु के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो ये सब छोटी मोटी लीड को कभी भी तोड़ सकती है। लेकिन बिहार यहाँ होम टीम है, उनको इनका होम टीम होने का फायदा है क्योंकि यहाँ के दर्शक जो है उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ टाइम आउट लिया गया है कोचेस के द्वारा, वो रणनीति बनाते हुए कैसे इस मैच को जीतना है क्योंकि इन दोनों के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ मैच शुरुआत अभी थोड़ी देर में होगा, यहाँ थोड़ी ब्रेक लिया गया है, और यहाँ पे कोर्ट नंबर 1 पे मैच चलता हुआ आसाम बनाम उत्तराखंड, उसका भी आप मजा ले सकते हैं लाइव हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और यहाँ पे स्कोर की बात करें तो स्कोर जो है 21 स्कोर का फासला 3 पॉइंट का हो चुका है 21 और 24, और यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। क्या कुछ हो रहा है इस मैच में, काफी गर्मा गर्मी तो अंपायर के द्वारा, काफी गर्मा गर्मी, और दोनों ही टीम स्कोर देखना होगा। यहाँ पे इतना गर्मा गर्मी मैच मैंने आज तक नहीं देखा, तमिलनाडु बनाम बिहार का ये मैच। पांच नंबर के जर्सी में सालू रेड करने के लिए जाते हुए, और यहाँ पे स्कोर 21-24 का है, 3 अंकों से अभी बिहार लीड करते हुए, बिहार जो ये लीड को
तोड़ी नहीं है, लगातार लीड को बनाई हुई रखी है और यहाँ पे लीड में बनाई हुई। लेकिन तमिलनाडु के पास कौन है? दीपिका कार्तिका, जो कभी भी यह स्कोर जो लीड बनी हुई है उसको तोड़ सकती है। दीपिका चाहे तो ये स्कोर को एक ही रन में तोड़ सकती है। और अभी बिहार के पाले में देखा जाए तो चार का डिफेंस बना हुआ है। अगर दीपिका यहाँ अंक लाती है तो बिहार शायद ऑल आउट की तरफ चल जाएगा, ऑल आउट के कगार पे वो खड़ा हो जाएगा। और यहाँ दीपिका रेड करने के लिए गई है, प्रयास कर रही है अंक प्राप्त करने का। चार का डिफेंस बना हुआ है और बहुत ही गर्मा गर्मी मैच। यहाँ पे किक चलाया गया दीपिका के द्वारा और बहुत ही आसानी से एक अंक उन्होंने प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे दो नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए शिवानी, जिसका नाम है बोनस किंग शिवानी। और यहाँ पे गलती 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 गलती, कितने अंक मिलेंगे यहाँ पे, कितने अंक मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ गलती किया जा रहा है तमिलनाडु के डिफेंस के द्वारा। यहाँ दो अंक मिले बिहार को और आप सुन सकते हैं आवाज दर्शक के, कितने दर्शक खुश हैं अपने होम टीम को, उन्होंने कितना सपोर्ट कर रहे हैं दर्शकगण। और यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है किसी कारणवश और स्कोर जो है 22-26 का स्कोर हो चुका है। यहाँ गर्मा गर्मी इतना है कि एसी चल रहे हैं। विवेक जी यहाँ एसी तो बहुत है लेकिन फिर भी इतना गर्मी क्यों लग रहा है? बिल्कुल गर्मी दर्शकों का गर्मी है, गेम का गर्मी है, काफ़ी खिलाड़ियों का गर्मी है। बिल्कुल दोनों ही खिलाड़ी गर्म अंदाज में खेलते हुए और दर्शक काफ़ी क्राउड है, काफ़ी खचाखच होम ग्राउंड के सपोर्ट में बिहार के को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी दर्शक आए हुए हैं। और यहाँ पे स्कोर की तरफ रुक करें तो स्कोर 22-26 का हो चुका है। क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ। और ये है दीपिका, रिमेंबर दिस नाम दीपिका, जर्सी नंबर 6, कभी भी कमाल कर सकती है। वापसी का डंका तो बजा चुकी है लेकिन क्या मैच को अपने झोली में ले जाती है या नहीं, ये देखना बाकी है। और रेज का जिम्बा लेके निकल चुकी है सालू, जर्सी नंबर 5 बिहार की रेजर। हम अब दर्शकों को बता दें कि बोनस ऑफ है, 5 का डिफेंस, 4 का और 3 का डिफेंस में बोनस ऑफ रहता है। क्या बोनस लेगी या खाली रेज करने का प्रयास? बिल्कुल संभवतः बिहार के पास लीड है और उन्हें समय व्यतीत करने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल वैसा ही समय व्यतीत करने का कोशिश करते हुए यहाँ पर रेजर सालू के द्वारा बिल्कुल पूरा समय लेके खेलने का प्रयास बिल्कुल। और यहाँ पे बिहार का भी 5 का डिफेंस है, जर्सी नंबर 6 दीपिका रेड पर निकल चुकी है। किक स्पेशलिस्ट शानदार किक, वाल क्या लाजवाब किक रहा, बिल्कुल एक पॉइंट तमिलनाडु के खाते में। कप्तान को बाहर किया खुशी कुमारी, बिल्कुल जैसा कि उम्मीद था उनसे कि ये मुकाबले काफ़ी अच्छा खेलेंगे, बिल्कुल नाम के हिसाब से वो मुकाबला नहीं खेल रहे खुशी कुमारी। अगर क्या एडवांस टैकल, बिल्कुल बोनस की रानी शिवानी कुमारी को घर दबोचा गया, बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा हो गए दीपिका। डिफेंस रेक दोनों में ही पॉइंट ले रहे हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस मुकाबले में। काफ़ी शानदार मुकाबला चलता हुआ बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच और अंतिम 5 मिनट और देख सकते हैं जैसे जैसे समय कम हो रहा है वैसे ही तमिलनाडु का स्कोर भी बढ़ते जा रहा है, बिहार का स्कोर जो है कम होते जा रहा है। 25-26 का स्कोर, एक अंक से बिहार लीड है लेकिन बिहार जो है ऑल आउट के कगार पे खड़ा है। दो खिलाड़ी जो है यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद है बिहार के, अगर उनको ऑल आउट कर दिया जाता है तो 4 अंक मिलेंगे तमिलनाडु को और तमिलनाडु जो है 3 अंकों से लीड में आ जाएगी। और यहाँ पे तमिलनाडु की तरफ से बहुत ही सजगता से खेलते हुए और बोनस को दे दिया गया खिलाड़ी को ताकि वो मजा ले सके, माफ कीजिए, ताकि वो ऑल आउट कर सके इन खिलाड़ियों को। दोनों खिलाड़ी जो बचे हुए हैं, बोनस दे दिया गया है बिहार को लेकिन यहां ऑल आउट के कगार पे खड़े हैं बिहार। 2 का डिफेंस बना हुआ है, सुपर टैकल ऑन है, क्या यहां सुपर टैकल होंगे दीपिका या अंक लेकर के आएंगे बिहार को ऑल आउट करेंगे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला दीपिका के तरफ से और यहाँ पे एक अंक लेते हुए मैच की बात करें स्कोर की तो 26-27 का स्कोर यहाँ हो चुका है। यहाँ पे 26-27 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है और बोनस दे दिया जा रहा है 5 नंबर के जर्सी को जो कि सालू है, उनको बोनस दे दिया गया क्योंकि ऑल आउट के कगार पे खड़े हैं बिहार। और ये क्या, हमें हेल्पर के तरफ से 11 नंबर के जर्सी के तरफ से यानी कि गायत्री के तरफ से हमें टैकल देखने को मिला और बिहार पहली बार ऑल आउट। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कुलदीप जी, काफी गर्मा गर्मी मुकाबला चलता हुआ, क्या शानदार मुकाबला, हमने उम्मीद नहीं किया था
बिहार टीम एक तरफा लीज करने के बावजूद अपना लीज खो बैठी इस मुकाबले में। और क्या दीपिका ने वापसी कराया है, वन मैन आर्मी की तरह अपने टीम को वापसी कराया है तमिलनाडु के रेगर दीपिका। मैंने दर्शकों आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि दीपिका कभी भी इस मुकाबले को वापसी करवा सकती, क्योंकि वो बड़े मुकाबले की प्लेयर है, काफ़ी मुकाबले में उनका मुकाबलों का उनके पास एक्सपीरियंस है। और ये कुछ ही समय का खेल चलता हुआ, बिल्कुल अंपायर की तरफ से अभी कुछ ही समय का खेल का डिसीजन आना बाकी है। पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया, अंपायर्स जो है वो बात कर रहे हैं कि ये बोनस कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे अंपायर्स जो है बहुत ही अनुभवी अंपायर्स हैं और बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ बना हुआ है। दर्शकगण एकदम यहाँ नेल बाइटिंग आप मैच बोल सकते हैं, यहाँ पे इतना तगड़ा मैच चल रहा है, हाई वोल्टेज। यहाँ दर्शकगण जो है दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और बिहार को सपोर्ट कर रहे हैं। स्कोर जो है वो बराबर और रेड पे कौन है, रेड पे है दीपिका, गोल्ड मेडलिस्ट खेलो इंडिया की दीपिका तमिलनाडु के तरफ से। और बोनस यहां पे दीपिका को बोनस मिलते हुए और वन पॉइंट यहां पे बिहार को मिलते हुए। यहां पे बोनस तो लिया दीपिका ने, लेकिन यहां पे लोबी में शायद उन्हों चले गए, जिनके चलते से स्कोर फिर से बराबर होते हुए 30-30 स्कोर जो है बराबर हो चुका है। अंतिम के कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, अंतिम के दो मिनट, बिल्कुल 120 सेकेंड का खेल शेष है। क्या कुछ होता है मुकाबला में, बिल्कुल प्री क्वार्टर का फाइनल मैच, इतना लाजवाब मुकाबला हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का ये, और क्या यहाँ पे टैकल हो गई, सालू कुमारी टैकल कर लिया गया है तमिलनाडु के खिलाड़ी के द्वारा, और यहाँ पे लीग तमिलनाडु के खाते में। क्या दीपिका स्टार किक स्पेशलिस्ट, इनका नया नाम है दीपिका का नया नाम किक स्पेशलिस्ट, आपको हमने बताया था खेलो इंडिया और का जो एक्सपीरियंस है, ये क्या यहाँ पे शानदार रेट, बिल्कुल सुपर रेट हो सकता है या नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या खिलाड़ी को धकेल दिया गया खुशी कुमारी को दूसरे पाले में, क्या कुछ होता है, बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पे दीपिका की ओर, और इसी के साथ कोच के द्वारा टाइम आउट। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मुकाबले के कौन सी टीम जीतेगी। जी यहाँ पे दो अंकों से लीड बना चुकी है तमिलनाडु, जहाँ बिछल रही थी वो शुरुआती समय में, यहाँ पे अंतिम एक मिनट लगभग एक से डेढ़ मिनट बची हुई है, वहाँ दो अंकों की लीड बना के बैठी हुई है। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा है, हम कह नहीं सकते कौन जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, दो अंकों की लीड ज़्यादा अंक नहीं होती है, एक रेड में भी यह खत्म हो सकती है। और यहाँ पे मैच जो है बहुत ही यहाँ पे कुछ मैजिक बिहार की टीम को कुछ मैजिक करना होगा तभी वो जीत सकती है। और रेड में आए हुए हैं शिवानी, बोनस किंग शिवानी, क्या वो बोनस ले जा पाएगी या टच पॉइंट लेगी। और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में अनेकों, यहाँ पे लगभग हजारों दर्शक आए हुए हैं देखने के लिए यह मैच, यह फाइनल का मजा दे रहा है, आप कह सकते हैं यह फाइनल मैच है, इससे बड़ा मैच मैंने आज तक नहीं देखा, इतना हाई वोल्टेज का मैच। जी बिल्कुल, जर्सी नंबर 6 निगाह बना के रखिए, वन मैन आर्मी बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ से एक तरफा मुकाबले को अपने झोली में करने का काम किया है जर्सी नंबर 6। और बिहार का 5 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑफ है, और अभी भी 2 पॉइंट से तमिलनाडु लीज करती हुई, और रिस्क नहीं लेने का प्रयास, क्योंकि अगर कुछ ही समय का खेल शेष है और कुछ भी हो सकता है मैच में। और कृतिका काफ़ी रोमांचक मुकाबला, इस कृतिका के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इस मुकाबले में, और इसी के साथ टाइम आउट होगा। जी बिल्कुल कोच के द्वारा टाइम आउट, क्या गुरु मंत्र फूकेंगे अभिनव कुमार सिंह बिहार के कोच। और यहाँ पे अभी भी 2 पॉइंट से लीड करती हुई तमिलनाडु के डिफेंस,
क्या कुछ कमाल करेगी, हम जानते हैं अपने साथी से कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को। जी यहाँ पे तमिलनाडु का एक ही प्लान होगा यहाँ पे कि वो एक अंक यहाँ पे दे दे, क्योंकि अंतिम रेड यह हो सकती है और यहाँ पे एक अंक, बिल्कुल वो एक अंक यहाँ पे दे दे रहे हैं ताकि एक अंक से कम वो जीत सके यहाँ पे। और प्रयास किया जा रहा है बिहार के रेडर प्रतिभा के द्वारा कि अनेक पॉइंट वो ले जा सके, लेकिन असफल रहे। और यहाँ पे शायद अंतिम रेड यहाँ बची हुई है, यहाँ कोच का प्रेशर बना हुआ है अंपायर्स के ऊपर और अंतिम रेड ये शायद हो सकता है। और 6 नंबर की जर्सी में दीपिका रेड करते हुए ये शायद आखिरी रेड हो सकता है ये मैच का, क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये मैच का आखिरी, काफी हाई वोल्टेज मैच, 32-31 फेवर ऑफ तमिलनाडु। क्या कुछ होता है इस रेड में, बिल्कुल संभवतः आखिरी रेड हो सकती है, तमिलनाडु जीती है या बिहार, या मैच टाई पे जाता है। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ होता है। बिल्कुल, और तमिलनाडु ने इस मुकाबले को जीत लिया है, शानदार मुकाबला रहा बिहार बनाम तमिलनाडु का। और यह मुकाबला आसानी के साथ काफी टक्कर का मुकाबला, और एक समय के बाद बिछड़ने के बाद तमिलनाडु ने प्रवेश किया है क्वार्टर फाइनल में। क्या लाजवाब मुकाबला रहा है तमिलनाडु और बिहार के खिलाफ। तो फिर मिलते हैं कुछ ही समय के बाद, तब तक के लिए जय हिंद। विवेक क्या लगता है इस मुकाबले को कौन जीतने वाला था? देखो मैं जब दूसरा मैच कर रहा था तो मुझे लगा था कि तमिलनाडु की टीम हार जाएगी और वहां पर बिहार की टीम आगे चल रही थी, लेकिन समय देखते देखते तमिलनाडु ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में रखा है। जो लीड तमिलनाडु को दी गई थी उन्होंने वो उतारी है, उसके बाद ये मुकाबला एक पॉइंट से अपने नाम किया गया है। ये मुकाबला धड़कने बढ़ाने वाला या धड़कने रोकने वाला था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं अपने मैच को कर रहा था लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि इस मुकाबले को देखा जाए, तो मैं 2 मिनट के लिए पर कमेंट्री छोड़कर इस मैच का आनंद उठाने लगा था और क्राउड सपोर्ट कर